और अब बात मुंबई की, जहां एक कातिल पत्नी ने अपने ही पति की हत्या कर दी और शातिर पत्नी के कत्ल का राज तब जाकर खुला जब सामने आया उसके अवैध संबंधों का सच। मुंबई पुलिस की गिरफ्त में आई इस महिला ने जो किया है उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उज्मा नाम की इस महिला पर आरोप है अपने ही पति के कत्ल का। उज्मा की इस घिनौनी करतूत में साथ देने वाले रमेश और रविकांत नाम के इन दोनों आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बीते 20 तारीख पुलिस को मुंबई के माटुंगा रेलवे स्टेशन पर उस्मान का शव खून में लथपथ इस हाल में मिला था। जब इस मामले में पुलिस ने छानबीन की तो पूछताछ के दौरान पुलिस को मृतक उस्मान की पत्नी उज्मा पर शक हुआ। उज्मा की मोबाइल डिटेल्स को खंगाला गया तो कातिल भी सामने आ गया और कत्ल की वजह भी। पुलिस को पता चला कि उज्मा के रमेश नाम के इस शख्स के साथ अवैध संबंध, जिससे उज्मा शादी भी करने वाली थी। फिर क्या था, उज्मा ने अपने प्रेमी रमेश के साथ मिलकर रच डाली अपने ही पति की हत्या की साजिश। लड़के से अरमान से बहुत टच है उसका और शायद दोनों शादी भी करने वाले हैं, ऐसा उन्हें रिपोर्ट भी था। ये दोनों के प्यार में उन्हें ऐसा लगता था कि ये कुछ उनको प्रॉब्लम कर देगा या उनको बीच में, तो इसीलिए शायद उसने उनको हटाने का प्लान किया होगा। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि 8 साल पहले उज्मा और उस्मान ने प्रेम विवाह किया था। उज्मा से शादी करने के लिए उस्मान ने न केवल अपना नाम बल्कि मजहब भी बदल दिया था। एक लड़का जो ओडिशा का रहने वाला है, ये देवा नाम का लड़का था, 8 साल पहले इसने ये लड़की से, उज्मा करके लड़की से शादी किया था और वो अभी उस्मान के नाम से वो उसने नाम अपना चेंज करने के बाद उसके साथ में रहता था। ये तो खुद उस्मान ने भी नहीं सोचा होगा कि जिसके लिए उसने अपना नाम और मजहब तक बदल दिया, जिसे वो अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था, वही पत्नी हैवान बनकर एक दिन उसी के हत्या की साजिश रच डालेगी। ऐश्वर्य वैद्य के साथ संकेत पाठक, मुंबई, न्यूज 24।